किड्स लंच आइडिया सीरीज 5 स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रियंका के साथ। आज की जो मेरी रेसिपी है ये लंच सीरीज चल रहा है, ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स बच्चों को है वो दे सकूं। कार्ब भी है, साथ में प्रोटीन का अमाउंट भी अच्छा है और साथ में वेजिटेबल्स भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी जो मेरी है रेसिपी वो फ्राइड राइस है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। कभी जब आपके पास टाइम कम हो तो आप एक दिन पहले आप राइस को बॉयल करके रख सकते हैं। ऐसे प्रेफर करती हूँ मैं सेम डे ही राइस को बॉयल करना, बट अगर आपके पास नेक्स्ट डे आपका ऐसा प्लान हो कि आपके पास टाइम की कमी हो तो आप पहले से बॉयल करके रख लें और आप झटपट से ये 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। नोट करें इसके इन्ग्रीडियंट्स। सबसे पहले हमने बॉयल्ड राइस लेना है, बॉयल करके ठंडा किया हुआ। इसके बाद हमें ऑयल लेना है, आप कोई सा भी ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल या बटर ले सकते हैं 2 टेबल स्पून, और साथ में सब्जियां कटी हुई फाइनली चॉप नहीं होनी चाहिए आपको, एक सेम साइज़ की होनी चाहिए सारी। साथ में ही हमें ये जो भी इंग्रेडिएंट्स नोट कराए हैं ये सारे आपको दिख रहे होंगे, और इसके साथ ही जो नगेट्स होते हैं सोया नगेट्स, इनको हम बॉयल करके स्विच कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लिया, कोशिश कीजिए कि लोहे की कढ़ाई हो जिसको काफ़ी अच्छे से गर्म कर लेना है हमें। इतना गर्म करना है कि उसमें से धुआं जैसा आना लगे। इसके बाद इसमें हमने ऑयल डालना है, बटर या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हो। अगर बटर डाल रहे हैं तब भी थोड़ा सा आप उसमें रिफाइन डालिएगा ताकि बटर जले नहीं। ये ऐसा हम धुआं जलने के बाद इसलिए डालते हैं ताकि चिपके नहीं। इसके बाद अब इसमें हम सारे जो भी सब्जियां पहले पकनी होती हैं उन्हें डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाल के सॉटे करेंगे। थोड़ी देर तक सॉटे करने के बाद इसमें जो बाकी के वेजिटेबल्स हैं और सोया नगेट्स हैं उनको डाला, 2 मिनट तक इसे सॉटे किया, और लास्ट में थोड़ा सा पिंच हम इसमें सॉल्ट का डाल देंगे। इसको डालने के बाद, सॉल्ट डालने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर तक सॉटे करेंगे। ये बहुत तेज आंच पे बनाया जाता है, फ्लेम तेज ही रखना है हमें। लास्ट में हम इसमें डालेंगे जो बॉयल्ड राइस हमने रखी हुई थी उसको डालेंगे। बॉयल्ड राइस डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे, बहुत हल्के हाथ से मिलाना है ताकि राइस टूटे नहीं। अब इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं, नमक जो बचे हुए नमक थे वो नमक डाला, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालेंगे। पेपर डाला हमने, सोया सॉस डाला, विनेगर डाला, और ये डाल के तेज आंच पे फ्लेम को बिल्कुल कम नहीं करेंगे, और इसे कुछ देर तक हम 3 से 4 मिनट तक इसे चलाते हुए हम स्टर करेंगे। ये हमारा तैयार हो गया फ्राइड राइस। इस टाइम में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारा राइस तैयार है, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, कंप्लीट मील है। एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं और रेसिपी ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।